हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं रोबलॉक्स में डोर्स पार्ट 3। तो पिछली वीडियो में आप लोग को याद होगा कि हमने अपने नए दोस्त के साथ मुलाकात की थी, जिसका नाम है फिगर, जो कि हमें डोर नंबर 50 पे मिलता है। तो आज हम उसको ही बीट करने वाले हैं। आगे आगे आपको पता चलेगा मैं कैसे बीट करूंगा। की तो मैंने यहाँ से पहले की उठा ली थी, तो ये डोर नंबर 1 भी अनलॉक कर लेते हैं। डोर नंबर 2, डोर नंबर 3। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं बोल रहा था ना कि ये कॉइन का कोई फायदा नहीं है। डोर नंबर 4, ओके। तो चाबी इन्होंने नीचे फेंकी हुई है, तो ये भी मैंने उठा लिया। अब डोर नंबर 6, लेट्स गो। अगला डोर है डोर नंबर 7। अब दोबारा से ढूंढनी पड़ेगी चाबी। आज का तो भाई हमारा टारगेट अपने फिगर को हराना है। फिर से कोई चीजें फेंक रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था आज का हमारा टारगेट, आज हमने फिगर को हराना है। आई मीन डोर नंबर 50 को भी बीट करना है। डोर नंबर 9, डोर नंबर 11। गिरता रहा गिरता रहा, अब नहीं तेरे से कोई भी डरता। अब भाई प्रैक्टिस हो गई है। ये क्या, लाइटर मिल गया भाई, लेट्स गो। लाइटर बहुत काम की चीज़ है। ओके, तो पहला रश हमारा आ चुका है। चुप, अगला है डोर नंबर 16, डोर नंबर 17। और आईज दोबारा आ गई हैं दूसरे रूम में। डोर नंबर 18, अगला आ चुका है डोर नंबर 19। खड़का ही रखो दरवाजे। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है? ओए, अच्छा पेंटिंग है इसको करना क्या? ओ अच्छा, इनकी आउटलाइन में डालना है, समझ लग गई। ऐसे ऐसे हो गया। डोर नंबर 21, यार कितनी आईज आ रही हैं इस बार। अभी पिछले रूम में आई थी, फिर आ गई हैं। किधर जाना है? डोर कहाँ है? अच्छा सामने, लेट्स गो। डोर नंबर 24, डोर नंबर 25। हमारा आधा सफर हो गया है। लाइट फ्लिक कोई, और मैं छुपू का नहीं हुई, फेक की है उसने। ओके, तो सीख शुरू होने लगा है, सीख का चेस शुरू होने लगा है। मुझे ऐसा लग रहा कोई यार है। फिस किसने बोला? मैं इंसान, अब सही लाइट फ्लिक हुई है यार, वो आ ही नहीं रहा। उसने दो तीन बार लाइट फ्लिक की है नकली। अच्छा, यहाँ पर अब सीख चेस शुरू हो गया, शायद इधर ही होना चाहिए ना, इस इधर होना है, इधर इधर सीख चेस स्टार्ट होगा। हार्ड नहीं है यार, बस फोकस करना है। और ये हमारा भाई निकल आया। इसका म्यूजिक मुझे बड़ा मजे का लगता है, चेस पर ये बड़ा सूट करता है। ये अभी हार जाने इसने। बस यही था बच्चों वाला चेस। चल, दरवाजा वैसे बंद किसने किया? मैंने तो किया नहीं है। ओए रश, चलो छुपो। वो आईज को भी मार दिया रश ने, फिस तो नहीं है। डोर नंबर 40, यार इतने अंधेरे वाले रूम आ रहे हैं यार, ये फिस बोल के कहाँ चला जाता है? फिस बोलता है मैं देखता हूँ तो होता ही नहीं है, अजीब बंदा। लेट्स गो, लॉक पिक मिल गया, मेन चीज हमें इन्होंने दे दिया। लॉक पिक के बड़े फायदे हैं।
लॉक पिक क्यों जाया कर दिया गंदे काम। देखिए मेरे मेरे पास ताले की चाबी थी फिर भी मैंने लॉक पिक लगाया। वाह डोर नंबर 44 डोर नंबर 45 ओके लाइट फ्लिक हो गई। आ जा आ जा आ जा आ जा। यार ये क्या रूम दे दिया इन्होंने, इनको देने वाले रूम देने का बड़ा शौक है। ओके आ गया मैं, तो मुझे पता भी नहीं लगा मैंने क्या चीज को बीट करना है। इंसान के बच्चे बनना इस बार मुझे ना मरवा दे। डोर नंबर 50 ओके आएगा आएगा। हाय 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 अच्छा इसका ना मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये अंधा बंदा है, मतलब इसकी आंखें नहीं है पर इसकी हियरिंग सेंस इतनी कमाल की है ना आपको भी पता नहीं है। शॉर्ट में समझ लो कि ये माइनक्राफ्ट का सस्ता तरीन लंबा खंबा वार्डन है। इसकी सुनने की इतनी है कि मैं अभी क्राउच किया हुआ ना, मैं थोड़ा सा खड़ा भी होया ना, इसने इस तरह भागते भी आना है ना, वैसे ही अंधा है। ये पाथ फाइंडर AI है ना, वैसे यही इधर उधर भटकता रहेगा रूम की तरह। ये देखो अब ये यहाँ से मुझे नहीं देख पा रहा क्योंकि ये अंधा है। मैंने इधर एक बार भी क्राउच छोड़ दिया ना, ये मेरे पीछे है। ये बुक्स जो उनसे दिख रही है ना ये वाली मुझे लेनी है, और ये लेके मुझे इधर से भागना है। मैं आपको भी बताता हूँ ये बुक्स का क्या फायदा, पहले मैं सारी इकट्ठी कर लूँ। वो देखें वो अभी इधर आए, लेट्स सी इधर चला गया, मैं इधर चला जाता हूँ। ये साइड पे आपको दिख रहा है ये X=4 आ गया। ये अभी मैं सारी बुक्स ले लूँ फिर आपको बताता हूँ। ये तीसरी होगी, ये भी होगी। वो आया, वो ऊपर चढ़ा, वो ऊपर चढ़ा हुआ, अब आएगा इधर। ये देखें अब ये आ गया है Circle=4, और ये वाले जो सब बता नहीं क्या बताऊँ, ये =2 है। ये अभी इसको सुकून ले लेना। तो अभी सबसे पहले मैंने इतना मार रहा, अभी डर गया कि मुझे पकड़ने आ रहा है बंदा अंदर, मुझे लगा ये वापिस आ रहा है। अच्छा अब मेन बात पता है क्या है, पहले इसको जाने दो एक बार। ये पेपर जोन सा पड़ा हुआ ना ये वाला, ये मुझे जल्दी से लेके भागना है इससे पहले वो आ जाए। ये मैंने पेपर उठाया, वो इतनी उसकी हेयरिंग सेंस बड़ी हुई है कि अभी इसको पेपर भी सुनाई देगा उठता हुआ। अब आएगा भागता हुआ इधर। अच्छा ये पेपर देखो ये बड़ा काम का है, अभी इसमें आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। अब ये पेपर देखो, सबसे पहले कोड हमें एक बनाना है, वो वहां पर ना एक वो जो सा दिख रहा है ना वो डोर नंबर 51 है, तो वहां पर लगा हुआ लॉक, और वो लॉक कोई ऐसा वैसा नहीं, उसके लिए चाबी नहीं चाहिए होती, वो एक है पास कोड वाला लॉक। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका कोड बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखो ये सर्कल है ना यहाँ पे Circle=4, तो मतलब ये तीसरा जो सा पास कोड है वो है 4 का, और ये जो सा क्रॉस है Cross=5 जोन सा है, और ये Cross=4 जोन से है ना ये है, ये भी है चौथे नंबर पे, मतलब तीसरा कोड जोन सा वो चौथा है और चौथा कोड भी चौथा है। ये आपको भी समझ लग गया, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। बस सबसे पहले मेरा मेन मोटिव है मुझे यहाँ पे ना बुक्स ढूंढनी है इस दरिंदे से बच के। आ रहा इधर गया रहा, मतलब मुझे निकलना चाहिए एक बार के लिए। वो आया रे, अभी मैं यहां से कितना टाइम पर इधर आया, तेरी इसने मुझे कैप्चर कर लेना था भी। आ रहा आ रहा आ रहा, इससे बच के रहना है, जब ये उधर चला जाएगा ना तब हम इधर आ जाएंगे। देखो मैं थोड़ा थोड़ा इधर आऊंगा, अब ये जैसे इस साइड पे आना मैंने वापस भाग लेना है। मुझे बस यहाँ पे बुक्स ढूंढनी है। वही ऊपर ऊपर, उसने मेरी आवाज सुन ली, मेरी आवाज सुन ली उसने, भाग भाग भाग।
ये फिस वाले को अभी भी नहीं चैन आ रहा, अभी भी फिस फूस लगा हुआ है। आएगा आएगा आएगा, चलो ये उधर गया, अब मैं भाग के उधर चला जाता हूँ ऊपर, वहां से भी मुझे बुक्स लेनी है। कि जब ऊंचा से इस तरह चीखता है ना, मतलब इसने मुझे सुन लिया। ये देखो मेरे पीछे आएगा, ये एक और बुक मिल गई। वो आया 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 आया, मैं इधर छुप जाता हूँ आराम से आराम से। ओके ये भी एक बुक है, पर ये बुक लेने के बाद इसने मेरे पीछे आना तो मुझे भागना पड़ेगा। ये पहले उधर चला जाएगा ना, मैंने यहाँ से बुक्स निकाल लेनी है। इधर है कोई बुक? हाँ ये भी है। सबसे पहले मैं ये निकालूंगा एंड उसके फौरन बाद मुझे ये निकालनी है। ओ आ रहा आ रहा आ रहा, मुड़ के आ रहा है। अब मैं पता क्या करूंगा, इधर मैं सोफे के पीछे इस तरह छुप जाऊंगा। कैसे धा धा उसकी आवाजें आ रही हैं। अच्छा अब पहले हम पासकोड बना लेते हैं। हाँ ये हमें मिल गई एक पॉलीगोन जोन सा भी है। ओके तो पहले मैं लिख लेता हूँ, पहले का पासकोड है 9, उसके बाद ये वाला 2 2 4 5 साइडों वाला कहाँ पर है? 5 साइडों वाले के है 7, 7 हो गया। और आई मीन उसके बाद ये आता है सर्कल, सर्कल का है 4 नंबर इधर। और ये क्रॉस, क्रॉस का भी है 4। और ये डब्बा, प्रॉब्लम बन गई। एक हमें बस पासकोड और चाहिए, एक बस बुक चाहिए जो जिसमें ये लिखा होगी। बुक्स जो उनसे होती है ना वो थोड़ी थोड़ी बाहर होती हैं जिससे हमें पता लग जाता है। बस एक पास चाहिए फिर डन है। इधर एक बुक कहीं पर ढूंढनी है, बस एक बुक। थोड़ी सी वो बुक ना लाइट हुई होती है और बाहर निकली होती है तो उससे पता लग जाता कि ये है। उठा वो उसको सुनाई दे गया, आया आया भागता हुआ। ओए नहीं यार डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। ओके तो हमारी गेम हो चुकी थी क्रैश नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए अब हमें शुरू से करना पड़ेगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ से क्लिप्स काट के आपको दिखा दूंगा। कमारा निकल चुका है, आ जा आ जा बेटा आ जा। देख लेते हैं अब, सबसे पहले बुक्स लें या पेपर लें? वो दो बुक्स ही इधर आएंगे, पहले ले लेते हैं दो बुक्स। ले लो एक बुक्स यहाँ पे भी है,
सबसे पहले तो हमें मिल गया एक ये पता नहीं कौन सा है, और उसके बाद हमें मिल गया एक स्क्वायर और एक सर्कल। लेट्स गो, चल 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 चल, ये भी वहां ऊपर जाएगा ना, मैंने तब पेपर उठाने क्योंकि मुझे पता है इसने आने, उन्हें नहीं मुझे ये नहीं खोलने चाहिए ड्रॉर्स, वो आ सकता है, थोड़ी सी लालच कर रहा हूँ मैं। अरे निकलो निकलो, आ रहा है, अब आएगा इधर, पहले मैं देख लूँ बुक बुक तो नहीं उधर। अच्छा तो सबसे पहले हमें मिल गया, मेन चीजें तो मिल भी गई हैं। हाँ तो स्क्वायर है 3 एंड सर्कल है 1 और 31। अच्छा 31 हमारा हो चुका है, अब यहाँ से बुक लेनी है। ये जा ना जाए इधर, ओके तो पिंक बुक किधर है, ये वो भी उठा लेंगे भागते हुए वापस। एंड अदर बुक कोई है, कोई तो होगी, अभी यहाँ से निकलेगा ना मैं तब बुक उठाऊंगा। एक वो भी दिख गई है, ये उधर जाएगा ना, मेरा बुक लेके आगे भाग जाना। निकले निकले, 1 2 3 मैं बाहर, एक ये भी बुक उठा लेते हैं जाते जाते, ये भी उठा लिया। एंड यहाँ पे कोई बुक नहीं है, आ रहा है ना, आ रहा है बस ही है। एक ये भी बुक है, ये भी उठा ली, उन्हें नहीं मुझे इस टाइम नहीं उठानी चाहिए थी, वो पास है पूरे। अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ कोड, ये दो हो गए, इसके बाद इसका है 3, दोबारा से 3 आ गया, ट्राई एंगल 0 एंड स्टार, बस अब हम ढूंढना, ओवरऑल कोड हमें मिल गया। बस स्टार की जरूरत है, और इधर तो नहीं कोई बुक, आ जा आ जा आ जा, बड़ा तेजी नहीं आ रहा है, इसको लग रहा है इसने मुझे पकड़ लेना है, जाऊंगा तो मैं भी जिंदा ही। ठीक है 6 हमें कोड मिल गए हैं, दो और बस बुक ढूंढनी है जो कि बहुत मुश्किल होने वाले। गया 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 गया, एंड इधर कोई बुक नहीं है, नीचे जाके देखते, बुक लेके सीधा ऊपर। लेट्स गो, मिल गया कोड, मिल गया कोड है *6, एंड वाला 6 है कोड। ओके तो इधर बैठ के अब पहले मैं कर लेता हूँ, सबसे पहले स्क्वायर का आता है 3, सर्कल का है 1 और ये पता नहीं कौन सा है, पॉलीगोन है कोई, इसका 3 एंड ट्राई एंगल का 0 एंड स्टार का 6, ये मिल गया कोड। अब ये जब वो पूरा उधर चला जाएगा ना, फिर ये ताला खोलेंगे, 3 1 3 1 3 0 6, 3 1 3 0 6। खोल लिया, ताला खोल लिया, खोल, खुल गया खुल गया, भागो, वो चीख रहा है। ओके तो ये कोई रियल पार्टी हो रही है, ये अपना स्केल्टन है और ये स्पेनिश बोल रहा है। हाँ भाई ये टी पोज में क्यों हुआ, वो ग्लिच हो गया बेचारा, टी पोज में खड़ा रह गया। और ये है मॉन्स्टर जो सामान बेच रहा है, क्या लें, लोपिक टॉर्च क्रूसीफाई पिप, नहीं नहीं टॉर्च ले लेते हैं एक, और एक ये पहन लेते हैं और एक टॉर्च ले लेते हैं, ले ले टॉर्च, सही तो है। अच्छा मैं बोल रहा था ना मॉन्स्टर ने दुकान खोली हुई है, ये मॉन्स्टर, ओए
टॉर्च की बैटरी से तेरे मेरे रे टॉर्च मुंह पे मारू, वापस का रिफंड दे। ओके डोर नंबर 53। अच्छा अब वैसे शुरू होगा, ये है 53 एंड वो भी 53 या 54 है। ओए होए, अच्छा ये है 54, नीचे है 55 और ये है 54। मुझे इधर जाना है। रश आ रहा। ओके तो रश भी चला गया और ये यहाँ से मैं कैसे निकले यार, जल्दी से निकलते हैं फिर से वाले ने आ जाना। और ये क्या निशान है, ना भाई ना, डोर 50 के बाद ये हालत है ना। डोर नंबर 59, डोर नंबर 60। अच्छा मैंने देखा था कि डोर नंबर 50 के बाद ना थोड़ा मामला जोन से होता है खतरनाक हो जाता है। किधर जाना है भाई, अच्छा वो खोलना है। यार मेरी बैटरी भी खत्म हो गया, इधर फिस भी आएगा। उसने ना मुझे बैटरी अजीब सी दी है। चल चल चल, टॉर्च मेरी गई, मेरी गई टॉर्च, खोल। नहीं यार मेरा आगे जाने का दिल नहीं कर रहा, यहाँ से हॉरर गेम लग रही है। वो पागल हो गया, मैं कैसे इधर से जाऊं। ना यार मेरा नहीं दिल कर रहा। डोर नंबर 100 में बस मैंने देखना फाइनल बॉस कौन होगा। मुझे लग रहा फिगर ही होना है, फिगर, क्योंकि इतना तो वो है। मतलब फिगर से मैं इतना डर गया हूँ, तो और फिर अगले आगे कौन ही होगा। ये कहाँ पर आ गया, ओके बैंडेज मिल गई। ये क्या, अच्छा इसके लिए, अच्छा वो वाली चाबी लगनी है। इसके पीछे क्या होगा, कोई सीक्रेट चीज़ होगी, कोई काम की चीज़ होगी। ये आए हुए भी हम ना हॉस्पिटल में हैं और ये यार इतने डार्क रूम आ रहे हैं। लाइट फ्लिक, और ये क्या सीख ने दोबारा आने, इतना बदतमीज़ है सीख। सीख दूसरी बार भी आएगा, लाइटर मिल गया, थैंक गॉड। मुझे इनके मॉन्स्टर से डर नहीं लगता, बस मुझे अंधेरे वाले रूमों से लगता। ये क्या लाइटर है, अच्छा लाइट फ्लिक। ओके हमारे सीख भैया आ चुके हैं दोबारा से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो इस बार अजीब सा हुआ हुआ है, इस टाइम हो रही इन्होंने कोई शादी हुई है। इस बार वो धड़म धड़म उसकी आवाजें पीछे से आ रही है, जैसे अभी मेरे कान के पीछे अभी पकड़ लेगा, पर है बड़ा दुख। ये क्या, चलते चलते मैंने सिक्के उठा लिए। ड्रॉर खोल के मैंने जाना है, और आग का झोंका पड़ गया। खोल डोर नंबर 80। वाओ लाइट फ्लिक हो रही है। ओ शुक्र है बैंडेज मिल गई थोड़ी सी। ये डोर नंबर क्या है, ओ नो यार वो 81 था ना, हमने इधर उसको बंद किया था सीख को। लेट्स सी, सीख को मैंने कहाँ पर किया था। अच्छा ये डोर नहीं खुल रहा, मतलब ये 80 है, ये 81 है, हमने अब जाना 82 में, नहीं तो जंप स्केयर लेने का मेरा कोई भी मूड नहीं है। ये वाला मैं हाल पहली बार देख रहा हूँ। हाँ ये कोई अलग सी जगह है, वो उधर भी डोर है। अब मुझे कॉइन लेने का इतना कोई नहीं फायदा, अच्छा यहाँ पर नहीं मैंने जाना मतलब। हाँ मैं कह रहा हूँ कॉइन लेने का मुझे कोई नहीं फायदा।
चाबी भी मिल गई। 82 प्लीज जंप करना ही। पकड़ लिया यार इसने, ये दोबारा से इधर। ये क्या है, मैं दो बार क्यों जंप स्केयर हूँ? इधर दो दरवाजे हैं, जाऊं? नहीं, मैं 83 में था ना अभी, अभी 84 में मुझे शायद जाना चाहिए। प्लीज ना ना, मैं नहीं मरना चाहता। थैंक गॉड लाइफ निकल। इतना आगे आके किसी का भी नहीं मरने पे दिल करता। अब मुझे बैंडेज के बहुत जरूरत है। अब मुझे वो ऑफिस वाले ने भी कुछ कह दिया, मैं नहीं बचने वाला। 86, आज तो भाई गेम कंप्लीट करेंगे। डोर नंबर 100 पे आगे शायद मैं आगे जाऊं और देख लें। और भाई लाइट फ्लिक कोई, मैं कहाँ छुपूं यार? यही तो बात, मैं कहाँ छुपूं, है ही नहीं कोई जगह छुपने की। अजीब है, मर गया बस। नहीं यार, डोर नंबर 90 पे आके तो नहीं मार सकता कोई। नहीं, वो डोर नंबर 90 पे आके क्यों मार दिया? रश के बच्चे, तू नहीं मेरे से बचता अब। अभी मैंने गेम कंप्लीट कर देनी थी, रिवाइव कर लेते हैं, रोबक्स दे देंगे। नहीं पोस्ट, अच्छा डोर नंबर 80, डोर नंबर 89 पे हम रिवाइव नहीं कर सकते। मैं स्पेक्टेट कर सकता हूँ आगे क्या होगा। ये कौन से कबर्ड है? ये क्या है, डोर नंबर 94? ये 94 है। अच्छा, आगे इस तरह के रूम आएंगे। चलो हमारी किस्मत में ही था ये। नहीं, ये डोर नंबर 90 है ना, यहाँ से मैं अंदर गया, मैं इधर मरा हूँ। ये अब पिंजरा खोलना था, पर मैं इधर से नहीं निकला। चलो वो अभी भी फिस लगा हुआ वो। मैं मार गया हूँ, अभी भी पीछे से वो फिस फिस लगा हुआ। ओके तो गाइस, आई थिंक इस वीडियो में इतना ही था, हमारी किस्मत में नहीं था। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए। लेकिन 1 सेकेंड, आप लोगों ने अब बताना कि इसका पार्ट 4 डालूँ या ना डालूँ। मैं बस इसलिए इसके इतने पार्ट बना रखी, ये इसका फायदा हो रहा है मुझे। पार्ट 4 थोड़ा स्पीड रन करेंगे, थोड़ा जल्दी कर लेंगे। इसमें बड़ा टाइम लगा, एक बार मुझे मार भी दिया, मारा ना डिस्कनेक्ट हो गया पिछली बार, नेट थोड़ा अच्छा लगवा के आएंगे। तो गाइज मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।